आज हम आए भेल वाली कचौरी खाने, तो देखते हैं कैसे बनती है। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार, और ये क्या है, मतलब ये भेल वाली कचौरी है। ये भेल वाली नाम से मशहूर है। कौन क्या नाम से मशहूर है? मेरे पिताजी के नाम से मशहूर है, भेला सालाम कचौरी वाला। अच्छा, तो ये मतलब काफी पुराना बिजनेस है आपका यहाँ पे। कितना टाइम हो गया इसको? 40 साल हो गए। 40 साल हो गया। अच्छा, और क्या प्राइस होगी इसकी? एक नल का 15 रुपया, मतलब एक पीस का 15 रुपया। चलो अच्छा है, देख लेते हैं क्या है। ये सब कचौरियाँ है। अच्छा, और ये सब इसके अंदर जो जाएगा, ये सब प्याज। अच्छा, धनिया और प्याज है, सब है। और आलू भी है। आलू बराबर। तो भैया मेरे लिए बना दीजिए। और ये कौन सा एरिया है? एक नेदलपोरा टावर रोड। अच्छा, ये पुस्तक के सामने मैदलपुरा है। हाँ, नेदलपोरा है, टावर रोड है। और क्या टाइमिंग है आपका यहाँ पे? मैं इधर से 4 से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक। 4 से 9 साढ़े 9 बजे तक। हाँ। और ये कौन सी चटनी डाल रहे हो? तीखा चटनी है। ये तीखा चटनी है, ये मीठा चटनी, तीखा और मीठा चटनी। और इसके ऊपर आप ये ऐड कर दोगे? हाँ, ये सूखा भेल के जैसा दिख रहा है। हाँ, और चटनी ऐड करोगे? ऊपर से सेव ऐड कर रहा हूँ। तो ठीक है, और ये पार्सल होगी। आने में जाओ।